आज है सैटरडे मतलब शनिवार, तो हम जा रहे हैं बच्चों से मिलने स्कूल में। और आज वैसे तो उनकी छुट्टी थी, लेकिन जिस जिसको स्पोर्ट पसंद है उनको बोला गया कि वो आ जाएं, और उनके लिए सरप्राइज है। तो देखते हैं उनसे मिलेंगे कैसा लगेगा उनको। नीरज चोपड़ा पहुंचे बेंगलुरु के स्कूल, टीचर पढ़ा रहे थे ओलंपियन के बारे में। एकदम सामने देख बच्चे हुए भावुक, गले से लिपट कर रोए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अचानक बेंगलुरु के एक स्कूल पहुंचे। बच्चे उस वक्त हैरान हो गए जब वे क्लासरूम में मेडलिस्ट की जीवनी के बारे में पढ़ रहे थे और अचानक वे सामने आकर खड़े हो गए। नीरज को देखकर कई छात्र खुशी के आंसू रोने लगे। ट्रेड एंड फील्ड में भारत के पहले ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ट्रेनिंग के बीच भारत लौटे और शनिवार को येलहंका के विश्व विद्यापीठ पहुंचे। वहां उन्होंने छोटे बच्चों के साथ समय बिताया जो स्कूल के खेल कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरान नीरज ने कहा, जब भी मैं छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला पाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और यह और भी खास था क्योंकि वे मेरे वहाँ होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे पास बेंगलुरु पहुँचने और एक कार्यक्रम में जाने के बीच कुछ समय था और मुझे खुशी है कि मैं इसका सबसे अच्छा उपयोग कर सका। मुझे उम्मीद है कि मुझसे मिलने से उन्हें युवा एथलीटों के रूप में अपनी यात्रा में प्रेरणा मिलेगी। चोपड़ा जो बिल्लारी से इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट का दौरा करने के लिए भी तैयार है। छोटे बच्चों से बात करने, ऑटोग्राफ देने और अपने ओलंपिक स्वर्ण जीतने की उपलब्धि को याद करने में समय बिताया। दिन का सबसे खास क्षण तब आया जब 30 से अधिक बच्चे चोपड़ा के साथ टोक्यो ओलंपिक खेलों में उनके पदक समारोह में बजाए गए राष्ट्रगान को फिर से जीवंत करने में शामिल हुए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।